नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एक बात याद रखिए, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मुझे दिवाली के दिन लड्डू या जलेबी चाहिए, रमेश बड़ा विद्वान और दयालु व्यक्ति है, कुछ खाने को न मिला तो उसने पानी पी लिया, राज खेलने आएगा क्योंकि आज उसे छुट्टी है, शिक्षक ने कहा कि हम महाबलेश्वर जाएंगे। इन वाक्यों में या और तो क्योंकि कि यह शब्द अव्यय है। यह अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी के साथ तब और वरना किंतु परंतु इसीलिए बल्कि ताकि क्योंकि या अथवा एवं तथा अन्यथा यह सभी समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य दो भेद है, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के छह भेद है, उनमें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद है, कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इससे पहले हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और उसके भेद देखे हैं। अब हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और उसके भेद देखेंगे। सबसे पहले व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय किसी वाक्य को प्रधान और आश्रित उपवाक्यों से परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक मुख्य वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे इसलिए, ताकि, तो, कि। वाक्य देखिए, तुम पढ़ना चाहते थे इसलिए नई किताबें खरीदी। हमें अच्छा खेलना होगा ताकि हम जीत सके। विश्व में घूमना है तो पहले कुछ बनो। शिक्षक ने कहा कि अब आगे की कविता सुनिए। इन वाक्यों में इसलिए, ताकि, तो, कि यह अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का पहला भेद है कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिस समुच्चय बोधक अव्यय से दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं। कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य में क्योंकि, इस कारण, इसलिए, ताकि, इसलिए कि यह अव्यय आते हैं। वाक्य, तुम जरूर वकील बनोगे क्योंकि तुम में वो काबिलियत है। तुम पढ़ना चाहते हो इसलिए नई किताबें खरीदी। तुम्हें आज खेलना चाहिए ताकि हम जीत सके। इन वाक्यों में क्योंकि, इसलिए, ताकि यह अव्यय कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद है उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिस समुच्चय बोधक अव्यय से दो
उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से उद्देश्य का पता चलता है। उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य में ताकि की जो जिससे यह अव्यय आते हैं। वाक्य परीक्षा में अच्छे अंक लाओ जिससे तुम्हारा नाम हो। हमें अच्छा खेलना होगा ताकि हम जीत सके। तुम खिलौने लाओ जिससे हम खेलेंगे। इन वाक्यों में जिससे ताकि यह अव्यय उद्देश्य सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का तीसरा भेद है संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिस समुच्चय बोधक अव्यय से योजक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से संकेत के भाव का पता चलता है। संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्यों में यदि तो तथापि यद्यपि परंतु यह अव्यय आते हैं। वाक्य विश्व में घूमना है तो पहले कुछ बनो। मैं गांव नहीं गया तथापि मैं आ जाऊंगा। कैलाश ने वचन दिया था परंतु मुझे धोखा मिला। इन वाक्यों में तो तथापि परंतु यह अव्यय संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का चौथा भेद है स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिस समुच्चय बोधक अव्यय से दो मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से पहले वाक्य का स्पष्टीकरण बाद के शब्द या वाक्य से जाना जाता है। स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्यों में यानी कि अर्थात मानो जैसे यह अव्यय आते हैं। वाक्य शिक्षक ने कहा कि अब आगे पढ़ो। वह ऐसे बोल रहा है जैसे सुन नहीं सकता। मुझे नौकरी मिली अर्थात अब हम पेट भर खा सकेंगे। इन वाक्यों में कि जैसे अर्थात यह अव्यय स्वरूप सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। धन्यवाद।